और दोस्तों डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वर्ष 2019 के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, फैक्ट या तो स्टैटिक जीके के प्रश्न बनेंगे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यानी कि एक वीडियो में आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। इसके साथ दोस्तों आपको हर सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स के क्लासेस मिलते हैं, पर आज लेट होने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कल से एज यूजुअल आपको क्लासेस मिल जाएंगे। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में कौन आर्मी स्टाफ के वीसी यानी वाइस चीफ बने हैं। तो सही उत्तर है, हाल ही में आर्मी स्टाफ के नए वाइस चीफ के रूप में मनोज मुकुंद नरावने जी को चुना गया है। यानी कि कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने हमारे नए आर्मी चीफ के वाइस चीफ होंगे। इसके अलावा ऑप्शन ए में है शालिजा धामी। मैंने बहुत बार बताया ये पहली महिला फ्लाइट कमांडेंट बनी है हमारे देश भारत की, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है प्रमोद अग्रवाल। क्या आपको पता है कौन है ये हमारे कोल इंडिया के अगले चेयरमैन होंगे। इसके अलावा ऑप्शन में है अरविंद कुमार जी। ये कौन है, ये आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख होंगे। इसके अलावा जब बात आई है आर्मी चीफ की, तो क्या आप बता सकते हैं वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ कौन है, कौन है, बिपिन रावत जी हमारे आर्मी चीफ है। जब आर्मी चीफ की बात आई है तो डेफिनेटली नेवल चीफ भी पूछा सकता है कौन है, करमबीर सिंह जी है। एयर चीफ कौन है, यानी एयर चीफ मार्शल है वीरेंद्र सिंह धनोआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में क्या हुआ कि 5 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए। कुछ दिनों पहले ही 10 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए थे। सिमिलरली अभी 5 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए, उनमें से एक राजस्थान भी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो सही उत्तर है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कलराज मिश्र जी को नियुक्ति दी गई है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने थे कलराज मिश्र जी, अब उनको हाल ही में राजस्थान के गवर्नर यानी राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा मैंने कहा कि 5 राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं। पहले बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं, फिर एक एक करके राज्यपाल के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहला राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर वाला राज्य अगर माने तो हम लोग हैं हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य है हमारा महाराष्ट्र, चौथा राज्य है तेलंगाना और पाँचवा जो राज्य है वो है केरल। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान, मैंने बता ही दिया राजस्थान के राज्यपाल बने हैं कलराज मिश्र। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, इसके पहले कलराज मिश्र जी वहां पे थे, अब नए जो बने हिमाचल प्रदेश के वो है बंडारू दत्तात्रेय जो ऑप्शन बी में है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कौन सा, तेलंगाना, तेलंगाना के राज्यपाल कौन बने हैं हाल ही में, तीसरे नंबर के ऑप्शन में है तमिलसाई, ये बने हैं कौन, हिमाचल प्रदेश हमारे अभी तेलंगाना के राज्यपाल। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन बने हैं, भगत सिंह जी बने हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल, और केरल के राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में पहले राज्यपाल कौन थे, पी सत्यशिवम जी थे पहले केरल के राज्यपाल। तो ये 5 राज्यों के नए राज्यपाल बने। मैं कोशिश करूंगा जल्दी एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा जिसमें नए 5 राज्यपाल के बारे में डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जरूर देखिए, आने वाले एग्जाम के लिए एक प्रश्न कन्फर्म है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IPSOS द्वारा जारी किए गए ग्लोबल हैप्पीनेस में इस इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा है। तो सही उत्तर है कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे रहा है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये दोनों ही टॉप पे रहे हैं। दूसरे स्थान की बात करें, दूसरे स्थान पे ग्रेट ब्रिटेन रहा है और तीसरे स्थान पे रहा है फ्रांस। ठीक है, तो डेफिनेटली एक प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़ेगा कि हमारे देश भारत का पोजिशन क्या रहा है इस हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो भारत 9th यानी 9वें पोजिशन पर रहा है। इसके अलावा बात आई है IPSOS की, जिसने कि यह इंडेक्स जारी किया है, यह ग्लोबल मार्केट रिसर्च ग्रुप है जिसके द्वारा यह हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1975 यानी 1975 को, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पर रोक के लिए एक बिल पास किया है। तो सही उत्तर है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक बिल पास किया है। इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति मॉब लिंचिंग में दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा। पर क्या है ये मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग दो शब्दों से बनकर मिला है,
मतलब मिलकर बना है। एक तो है मॉब और लिंचिंग। मॉब का अर्थ होता है भीड़ और लिंचिंग का अर्थ होता है पीट पीट कर उनकी हत्या करना। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि भी किसी जुर्म के लिए या तो कभी डायन बताकर, कभी किसी चीज़ का दोषी बताकर किसी व्यक्ति को भीड़ के द्वारा पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार के इंसिडेंट को मॉब लिंचिंग कहते हैं। और चूंकि भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता, इसलिए अभी तक भीड़ को कोई दोषी नहीं बता सकता था, यानी उसको सजा नहीं मिल पाती थी। पर अब पश्चिम बंगाल ने एक अच्छा कदम उठाया है, मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक बिल पास किया है। अब ये मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास करने वाला क्या पहला राज्य है पश्चिम बंगाल? तो आंसर होगा नहीं। इसके पहले दो राज्यों ने ऑलरेडी ऐसा पास किया है। सबसे पहला मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास करने वाला राज्य था मणिपुर, दूसरे नंबर पे था राजस्थान और तीसरे नंबर पे हाल ही में जो पास किया है वो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास किया है पश्चिम बंगाल ने, तो डेफिनेटली एक प्रश्न आएगा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है और राजधानी क्या है? फटाफट बताइए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है हमारी ममता बनर्जी, गवर्नर अभी रिसेंटली बने हैं जगदीप धनखड़ जी, और हमारे उस पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। और इसी हुगली नदी के नीचे जो है भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन जो है वो चलने वाली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता का फाउंडेशन किसने किया था? जॉब चार्नक ने किया था 1690 में। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कब हुई थी? तो अनाउंस किया गया था 1911 में, पर 13 फरवरी 1931 को कोलकाता से दिल्ली हमारी कैपिटल यानी राजधानी शिफ्ट हुई थी। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि भारत का लार्जेस्ट लाइब्रेरी कौन सा है, पुस्तकालय की बात की जा रही है, तो भारत का सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी है कोलकाता में। अब मुख्यमंत्री ये हमारी ममता बनर्जी, तो क्या बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री प्रफुल्ल चंद्र घोष जी थे प्रथम मुख्यमंत्री। इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं भारत के पहला डोम यानी फुल डोम डिजिटल थिएटर कहाँ पे बनाया गया था? वो है कोलकाता में। एक्सरे वाला पूछा गया एक प्रश्न कि भारत का ओल्डेस्ट यानी लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये भी है कोलकाता में। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, स्टैटिक प्रश्न है, बहुत ही बार पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वित्त वर्ष 2019-20 के पहले तिमाही यानी फर्स्ट क्वार्टर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? मैं रेगुलर डेली जीडीपी के बारे में बात कर रहा हूँ, डेली कुछ ना कुछ जीडीपी के बारे में न्यूज़ आ रहा है। आज पूछा जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी रही है, तो सही उत्तर है फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी रही है 5%। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा एक डाटा जारी किया गया और बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की पहली तिमाही यानी फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यानी कि अप्रैल मई और जून, ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें भारत की ग्रोथ रेट रही है 5% और फाइनेंशियल ईयर में ये जो है लास्ट 6 ईयर में सबसे कम रहा है। अब फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है तो डेफिनेटली एक प्रश्न आएगा कि सर फर्स्ट तिमाही की बात कर रहे हैं और अप्रैल मई जून क्यों हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च क्यों नहीं हो रही है? तो इसका उत्तर यही होगा कि हमारे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कब होती है, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है और 31 मार्च तक चलती है। तो 1 अप्रैल को शुरू होगी, तो फर्स्ट क्वार्टर तो शुरू होगी अप्रैल से ही है ना, तो अप्रैल मई और जून फर्स्ट क्वार्टर और इसका ग्रोथ रेट रही है 5%। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैं बार बार बता चुका हूँ, यानी कि किसी भी देश की आर्थिक डेवलपमेंट को दर्शाती है। और जीडीपी ये क्वार्टर में होती है, यानी कि 3 महीने में 1 क्वार्टर हुई, टोटल 4 क्वार्टर यानी 1 साल में टोटल 4 बार इसे दर्शाया जाता है। ठीक है, पर रिसेंटली जो है फिक्की ने भी बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की एक्सपेक्टेड जीडीपी कितनी रहेगी, फिक्की के अनुसार बताया गया 6.9, आरबीआई के अनुसार भी एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 6.9। ठीक है, इसके अलावा इंडिया रेटिंग ने रिसेंटली बताया कितना, जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7, तो इनके बारे में प्रश्न बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जितनी भी रेटिंग एजेंसियाँ हैं वो पूरे वर्ष का एक्सपेक्टेड जीडीपी बताती है, जबकि अभी जो जीडीपी जारी की गई स्टैटिकल डाटा के द्वारा उसके अनुसार जीडीपी जो है वो क्वार्टर की बताएगी, फर्स्ट क्वार्टर की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पे देश का पहला स्काई साइकिल पार्क खोला गया,
तो सही उत्तर है कि देश का पहला स्काई साइकिल पार्क खोला गया भारत के हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मनाली के पर्यटन स्थल कौन सा स्थल? गुलाबा। गुलाबा में वन विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान ने पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव बताने के लिए स्काई साइकिलिंग पार्क की शुरुआत की है। इसकी खास बात क्या है? इसकी ऊंचाई यानी हाइट कितनी है इसकी? इसकी हाइट की अगर बात करें तो 9,000 फीट पर यह बनी हुई है। इसके अलावा साइकिलिंग ट्रैक की अगर बात करें कितनी लंबी यह साइकिलिंग ट्रैक है तो 350 मीटर लंबी ये साइकिलिंग ट्रैक है और सितंबर से इसे शुरुआत किया जाएगा। सो अगर आपसे प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाए कि हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बनाया गया तो क्या उत्तर होगा? देखिए प्रश्नों को ट्विस्ट भी किया जा सकता है। सो सब तरह से आप लोग प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। तो आंसर होगा मनाली। कितनी ऊंचाई पर बनाया गया? ये 9000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ICC के वकील और कंपनी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है हाल ही में ICC के वकील और कंपनी सचिव के रूप में जोनाथन हॉल को नियुक्ति दी गई है। अब एक प्रश्न बात करते हैं, पहले बात करेंगे ICC के, पर पहले बात करते हैं जोनाथन हॉल के बारे में। कौन है जोनाथन हॉल? इन्हें फुटबॉल और रग्बी जैसे खेलों में 27 साल का अनुभव है और इन्हें हाल ही में ICC के वकील और कंपनी सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा ऑप्शन बी में है कंदीपक श्रीकांत। ये कौन है? ये रिसेंटली पावर ग्रिड के MD नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंटमेंट की जब बात आई है। दूसरा नाम है अनुराग अदलखा जी। कौन है ये? ये यस बैंक के CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रिसेंटली नियुक्त किए गए। तीसरा इंपॉर्टेंट नाम है असित कुमार त्रिपाठी। कौन है ये? ये हाल ही में उड़ीसा के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर रहे थे ICC की, तो ICC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। चेयरपर्सन है शशांक मनोहर, हेडक्वार्टर UAE में, CEO रिसेंटली नियुक्त किए गए हैं। कौन है? मनु साहनी जी। फाउंडेशन हुई थी 15 जुलाई 1919 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी फिच की एक रेटिंग के अनुसार भारत कब तक कोकिंग कोल का सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा यानी सबसे बड़ा इंपोर्टर बन जाएगा? तो हाल ही में फिच ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार भारत 2025 तक कोकिंग कोल का सबसे बड़ा आयातक यानी इंपोर्टर बन जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करता है कोकिंग कोल भारत। अब इंपोर्ट करता है तो कहां से इंपोर्ट करता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कोकिंग कोल भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, ठीक है। अब कोकिंग कोल की बात आई, क्या है ये कोकिंग कोल? तो कोकिंग कोल आपको पता होगा कोयले को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटिंग किया जाता है यानी गर्म किया जाता है, ठीक है। एब्सेंस दो तरह के होते हैं, एक तो एनारोबिक और एरोबिक रिएक्शन, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब उसको हीट किया जाता है तो वो बनता है क्या? कोकिंग कोल। और इसी कोकिंग कोल का सबसे ज्यादा उत्पादक बनेगा भारत, माफ कीजिए दोस्तों, आयातक बनेगा भारत। अब कोल की बात आई है, क्या बता सकते हैं कितने तरह के कोल होते हैं? कोल मेनली चार तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है, ठीक है। चार तरह के क्वेश्चन प्रश्न होते हैं। अब इसे याद रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप लोग क्रोनोलॉजिकली यानी सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर एल आता है और फिर पी आता है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अनुसार से कार्बन, सबसे ज्यादा कार्बन होता है एंथ्रासाइट में, फिर बिटुमिनस में, फिर लिग्नाइट में, फिर पीट में। और सबसे बेस्ट क्वालिटी की कोल कौन सी होती है? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की कोल होती है एंथ्रासाइट, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा जगह विख्यात है? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने गजनबी नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो सही उत्तर है हाल ही में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने गजनबी नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज की बात करें तो 290 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और यह सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मार्क करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसने किसने टेस्ट किया है? तो पाकिस्तान ने किया है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के बारे में जानना जरूरी है। आइए फटाफट देखते हैं, क्या बता सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, राजधानी कौन है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान, कैपिटल है इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। क्या आप बता सकते हैं कि आरिफ अलवी कितने नंबर के प्रेसिडेंट है? 13वें प्रेसिडेंट है कहां के? पाकिस्तान के। करेंसी चलती है पाकिस्तानी रुपी। और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? रेड क्लिप लाइन कहा जाता है। और इसके अलावा पूछा जा सकता है, क्या पूछ सकता है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उनकी पार्टी का नाम क्या है? कौन से पार्टी का नाम है प्रधानमंत्री? पाक
तारीख एक इंसाफ उनकी पार्टी का नाम है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन से कितनी ट्रेन चलती है, दो ट्रेन अभी तो बंद है, पर दोनों ट्रेन का नाम इंपॉर्टेंट है, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। इसके अलावा पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान का सबसे ऊँचा पीक कौन सा है, पीक यानी जो पर्वत शिखर कहा जाता है, और पाकिस्तान के सबसे बड़ा सिटी कौन सा, ये दोनों प्रश्न के उत्तर आप मुझे बताएंगे। स्टैटिक प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, मैंने बताया भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में कौन बीएसएफ के नए महानिर्देशक बने हैं। तो सही उत्तर है, हाल ही में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल वी के जौहरी को बनाया गया, यानी विवेक कुमार जौहरी जी नए महानिर्देशक बने हैं। अब ऑप्शन में ए में है आदित्य पांडे, कौन है ये भी नियुक्ति है, ये रिसेंटली इंडिगो एयरलाइंस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं। दूसरा नाम है हरीश चंद्र मिश्रा जी, मैं इसलिए रिवाइज करवाता हूँ कि बार बार अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखेंगे और एक प्रश्नों से बाकी प्रश्नों को कोऑर्डिनेट करके रिवाइज करेंगे तो कभी भी नहीं बोलिएगा। हरीश चंद्र मिश्रा जी कौन बने हैं, झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं। पी के सिन्हा कौन है ये हाल ही में ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी PMO बने हैं रिसेंटली, ठीक है। अब बात आई है BSF की, फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना हुई थी 1965 यानी 1965 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल तो मैंने बता ही दिया वी के जौहरी। इसके अलावा इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है कि हाल ही में वे SAAF अंडर 15 का खिताब किसने जीता। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि साफ अंडर 15 किस खेल से संबंध है, तो ये फुटबॉल से संबंध है। साफ का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, और इसका खिताब हाल ही में जीता हमारे देश भारत ने, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कहाँ खेला जा रहा था, ये कोलकाता के कल्याणी स्टेडियम में खेला जा रहा था। इसने किसको हराया, तो भारत ने हराया किसको, हमारे पड़ोसी देश नेपाल को हराया है भारत ने, क्लियर है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि भारत ने तीसरी बार ये जीत हासिल की है, सबसे पहले 2013 में जीत हासिल की, 2017 में जीत हासिल की और 2019 में भी जीत हासिल की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ से किया गया। तो सही उत्तर है, इसका उद्घाटन किया गया भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कही जाने वाली मुंबई से। लाइफलाइन का अर्थ क्या होता है, इसे आपको पता है, लाइफलाइन अर्थात जीवन रेखा, यानी कि यह मुंबई में ट्रेन बनाई गई है जिससे कि गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जा सकेगा। और इसमें शुरुआत कहाँ से की गई, ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से इसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको हर सुबह 8 बजे GK मतलब करंट अफेयर्स के क्लासेस मिलते हैं और इवनिंग को जो है GK GS के क्लासेस मिलते हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा बहुत सारे मेरे दोस्त कंप्लेन करते हैं कि सर मेरे तक नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल को एक बार प्रेस करके फिर से उसे नोटिफिकेशन नोटिफाई ऑल पे क्लिक कीजिए, डेफिनेटली आपके तक पहुंचेगा। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल यानी गवर्नर हाल ही में कौन बने हैं, भगत सिंह जी, विद्यासागर राव, देवेंद्र फडणवीस या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहे मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद जय भारत दोस्तों।